मैं हूं फैयाज, आपको देखिए मैं आपका स्वागत है। आज मैं गोड्डा जिला अंतर्गत बोरेजुआ प्रखंड के सीएल राजमहल में साहब के साथ मौजूद हूं। आए हम इनसे कुछ जानते हैं, जैसा कि इन लोगों के वक्तव्य में हम लोगों को बताया, और इस चीज़ को कहां तक ये सच है इन्हीं के जुबान से हम जानते हैं और सुनते हैं। जी सर बताए। आज अभी जितने भी हमारे ईश्वर जिनको नियोजन दिया गया है बस्ती ग्राम वाले को प्लस आपका ताजरी वाले को, ये लोग जो बोले हैं करीब करीब सब सही है। कुछ अभी काम प्लॉट देने का बाकी है, कुछ घर का मेजरमेंट बाकी है जो कि बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। हम लोग जल्द से जल्द घर का नापी करके घर का मुआवजा दे देंगे, और इसके अलावा प्लॉट का है, प्लॉट का भी आवंटन हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे। और कहीं कोई किसी आपसे पूछिए आप जवाब दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर हुसैन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बसडीहा। राजमहल परियोजना में आप लोग अपना जमीन अधिग्रहण कराए हैं? जी। जमीन अधिग्रहण कराने से आप सबों को क्या क्या सुविधा मिली, और उस पर पूर्व की अपेक्षा और अभी में रहन सहन में क्या अंतर है? हम लोग एशियर राजमहल प्रोजेक्ट में मैं जमाबंदी दो या जितने भी हमारे बसडीहा के रैयतगण हैं, मुझे लगता है कि सबको जो भी सुविधा है एशियल मैनेजमेंट के द्वारा बहुत अच्छा से मिला है। और आज जैसे कि माइन से चल रहा है तो हम लोग बहुत सुखी संपन्न जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ तक विस्थापित मुद्दे की बात है तो विस्थापित मुद्दे पर भी एशियल मैनेजमेंट बहुत ही जोरदार उसके लिए अपना कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों को प्लॉट भी मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है लेकिन उन लोगों को भी मिलने जा रहा है। और जहाँ तक जैसे कि माइन से है तो बगल में गांव भी है, ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग से जहाँ तहाँ यदि क्रेक हो जाता है फट जाता है तो एशियल मैनेजमेंट है उसको मरम्मती करवा देते हैं। पानी के लिए व्यवस्था जैसे वहाँ पर बोरहोल लगाए हुए हैं उस पर भी हमारे जनता को जब नहीं होता है तो हमारे मैनेजमेंट खास करके जल के लिए, यानी जल ही जीवन है, जल के लिए अपना टैंकर के जरिया से भी हमारे बसडीहा के ग्रामीणों को सुविधा मिलती है। चलिए बहुत बहुत कहा जाए तो हमारे ये मैनेजमेंट बहुत ही कुशल हैं और ही बहुत ही अच्छे सोच के हमारे अभी GMIC हैं, और हमारे ग्रामीणों को सबकी दुख दर्द को सुनते हैं और सबकी दुख दर्द को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसके लिए समय भी बांधे हुए हैं। बस मैं इतना ही कह करके अपना बात को। आपका नाम क्या हुआ? जैनुद्दीन अंसारी। घर? बसडीहा। आप अपना जमीन एशियल में देने से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिला और उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, जो जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, प्लॉट भी मिल गया, प्लॉट में हम लोग घर भी स्टार्ट कर दिए हैं। और इसे शेयर में छोटा मोटा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी शेयर में काम कर रहे हैं ठेकेदारी? जी, छोटा छोटा काम मिल रहा है। जब जमीन आप अधिग्रहण नहीं कराए थे, ECL परियोजना से आप काफ़ी दूर थे जी, उस समय से अभी का स्थिति कैसा है? अभी उससे बेहतर है स्थिति। यानी परियोजना को जमीन देने से आपको सुविधा मिला है, लाभ मिला है। बच्चा को भी इधर उधर पढ़ा रहे हैं, बाहर में पढ़ा रहे हैं जी। पहले तो इधर पढ़ा रहे थे लोकल में, लेकिन अभी छोटा मोटा काम करके थोड़ा 10 रुपया कमा लेते हैं तो बाहर में पढ़ा रहे हैं। बढ़िया बात, ठीक है। आप देख रहे हैं, आपने देखी।